हाय गाइस, ओके तो यस माइक इज ओके। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, यहाँ उपस्थित जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित है और मुझे कविताएं सुनना बहुत पसंद है, कविताएं कहना बहुत पसंद है। इन कविताओं के अलावा मेरी एक सबसे पसंदीदा हॉबी है सुनना। मुझे लगता है यहाँ जितने भी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं उन सभी की अपनी कहानियाँ हैं, लेकिन उन कहानियों को सुनने वाला कोई है नहीं, तो मैंने सुनना अपनी फेवरेट हॉबी बना ली है। तो अब तक जो मैंने लोगों से सुना है, जितना जाना समझा है, उनको इन कविताओं के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो अपने परिचय के लिए जो पंक्तियां मैं अधिकतर साझा करता हूं वो कुछ इस प्रकार है कि बहुत वीरानियों से गुजरा है समंदर, तो समंदर है पानियों से गुजरा है। ये जो लड़का है जानते हो इसे, यही तो है जो बहुत कहानियों से गुजरा है। थैंक यू आप सभी को। हर एक चीज़ का अपना एक ओपनर होता है। हम लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में एक व्यक्ति जाता है ओपनर करता है, तो मेरी कविताओं की सूची में जो कविता मैं कहने वाला हूँ आगे वो मेरी ओपनर कविता है, जो कि मेरे सबसे करीब है और मेरी सबसे पसंदीदा है। उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि आप सभी का ध्यान चाहूँगा। अपने अंदर ही कई खिड़कियाँ बनानी है मुझे, फौलाद सी कुछ लड़कियां बनानी है। तुमने नींदों के लिए गोलियां बनाई, मुझे नींदों के लिए लोरियां बनानी है। तुम बनाते रहो बंदूक बमों और पटाखों को, मुझे सावन में हरी चूड़ियां बनानी है। और आज फिर से याद आ रही है बहुत अम्मा की, आज फिर से अपने लिए पूड़ियां बनानी है। थैंक यू। एक अगली कविता के, पहले जिंदगी बनाई गई फिर दुश्वारी बनाई गई। दुश्वारी इन द सेंस कठिनाइयाँ, हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कठिनाइयाँ। के पहले जिंदगी बनाई गई फिर दुश्वारी बनाई गई, बनाए गए खुशियों के चंद रन, गमों के फिर सदी बनाई गई। सर पे रख माँ का आंचल बच्चे की हंसी बनाई गई, लोगों में भेदभाव कम था क्या के सरहदी जमी बनाई गई। पहले ख्वाब बनाए गए फिर ख्वाब में परी बनाई गई, जब बनाना सब बेकार हुआ तब तुम्हारी गली बनाई गई। थैंक यू। एक अगली कविता के, पत्ते टूटे पत्ते आए इश्क में लोग निहत्ते आए, जिन हाथों में फूल थे पहले उन हाथों में कट्टे आए। खुशियां आई इक्की दुक्की, दुख जत्थों के जत्थों आए, बाजारों में दो पैरों के रंग बिरंगे कुत्ते आए। बिना बुलाए पहुंच गया मैं, वो बोले के अच्छे आए, पहले आए बातों वाले फिर उल्लू के पट्टे आए। थैंक यू आप सभी को। कुछ दो तीन कविताएं और आप सभी से मैं साझा करना चाहूंगा के, मेरे हिस्से की दीवार पर धूप नहीं आती, कभी चुपके से किसी और की दीवार चाट लू क्या। मेरे हिस्से की दीवार पर धूप नहीं आती, कभी चुपके से किसी और की दीवार चाट लू क्या। आजकल छत पर टहलकर भी दिल हल्का नहीं होता, किसी को चाय पर बुलाकर गम बांट लू क्या। एक अकेला पेड़ खड़ा है रेगिस्तान के बीचों बीच, किसी दिन रहम खाकर उसे काट लूं क्या। कभी कभी मन करता है किसी पर बिगड़ जाने का, ममता मैम, कभी कभी मन करता है किसी पर बिगड़ जाने का, किसी टपरी पर छोटू को बुलाकर बेवजह डांट लूं क्या। थैंक यू आप सभी को। एक आखिरी कविता जो बहुत हाल ही में, जब से टोंक महोत्सव का कार्यक्रम मेरे जहन में आया है, मुझे जब से पता चला है, तो यहाँ जितने आर्टिस्ट लोग, मेरे साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये पंक्तियाँ उन सभी के लिए हैं और उन सभी के लिए जो अपने कला के जरिए संघर्ष कर रहा है। हमें ये पता है कि हमें क्या करना है, पर ये नहीं पता कि हमारा होगा क्या। हम अलग मिट्टी के पौधे हैं जो अलग मिट्टी में जमने की कोशिश में लगे हैं। जैसे ही हमारी जड़ें थोड़ी मजबूत होने को होती है,
साल खत्म हो जाता है, एग्रीमेंट खत्म और दूसरे मकान ढूंढने में, ब्रोकरों से डील करने में हमारी रगों में बहता खून जमने लगता है। फिर अपनों की आंखों से और सपनों की आंचों में खुद को सेकते हैं। कभी रस्ते, कभी रिश्ते डगमगाते हैं, कभी नींद गिरकर टूट जाती है, सिगरेट जलती है और बुझ जाती है, पर उम्मीद नहीं बुझती और सांस बुझने तक हम बुझने भी नहीं देंगे। हम चमकते रहेंगे अपनी रोशनी में जुगनुओं की तरह, दुख झाड़कर खड़े हो जाएंगे खेल में गिरे बच्चे की तरह, हम जीत जाएंगे एक दिन हार हार कर भी। थैंक यू आप सभी को। एक आखिरी कविता तहजीब हाजी करके एक व्यक्ति हैं, मैं उनकी कविता आप सभी को सुना रहा हूँ कि पागल कैसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं, देख ऐसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं, दुनिया सा होना मुश्किल है, चल तेरे जैसे हो जाते हैं, मेरे सारे काम खुदा करता है, तेरे वैसे हो जाते हैं। थैंक यू आप सभी को। हेलो, मोहित जी एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और कम्युनिटी ऑफ थिएटर टॉक के आप बेहतरीन कलाकार हैं। एक अभी हाल ही में इनका एक ड्रामा, एक नाटक डेथ ऑफ गैलीलियो, जो एशिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में वारंगम में सेलेक्ट हुए हैं। राजस्थान से इकलौते सिर्फ वन जिनका सेलेक्ट हुआ है ड्रामा एशिया के सबसे बड़े ड्रामा फेस्टिवल में, तो उनके लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए। मुझे मोहित जी एक बात बताइए, ये डेथ ऑफ गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या चीज है? हाँ, डेथ ऑफ गैलीलियो साइंस और रिलीजन पे बेस्ड एक नाटक है, जिसका हम एक्चुअली जो नाटक है जर्मन राइटर है बर्टोल्ड ब्रेख्त करके, तो उनका नाटक, उनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है द लाइफ ऑफ गैलीलियो। पिछले 18 महीनों से हम लोगों ने उस नाटक के रिहर्सल पे काम किया, उसकी स्क्रिप्ट पे काम किया, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझा। जब हम उस नाटक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट द लाइफ ऑफ गैलीलियो को आज के कॉन्टेक्स्ट से, आज से रिलेवेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उस नाटक को हम द डेथ ऑफ गैलीलियो के रूप में देख पाते हैं। असल में साइंस और रिलीजन के बारे में ये ऐसा है कि हम लोग आज की तारीख में देखते हैं कि हम कुछ कमेंट पास करते हैं, मतलब जो गैलीलियो है, गैलीलियो ने जब ये खोज करी कि धरती और सूर्य आपस में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब गैलीलियो को ये पता चला कि गैलीलियो से पहले भी 600 साल पहले ब्रूनो नाम के एक व्यक्ति ने जब ये स्टेटमेंट पेश किया कि हाँ सूर्य नहीं बल्कि धरती चारों की ओर चक्कर लगाती है, तो ब्रूनो को मार दिया गया था। गैलीलियो को जब ये एहसास हुआ कि अगर मैं ये बात चर्च के सामने या न्यायालय में ये बात रखूंगा तो शायद मेरे साथ भी वही हश्र होगा जो ब्रूनो के साथ में हुआ, लेकिन उसने अपने कुछ कुछ बातें पेश कर दी थी, इस वजह से गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया गया था। और जब गैलीलियो को नज़रबंद किया, और तो गैलीलियो ने अपने उस नज़रबंद के दौरान भी ये सारी जितनी भी उसने खोजबीन करी वो पड़ताल उसने एक किताब डिस्कोर्स करके पब्लिक में भेज दी। तो ये पूरा नाटक उसी को लेकर है। थैंक यू सर। हम लोग बहुत जल्दी टॉक में इसका परफॉर्म करेंगे, हमें उम्मीद है आप सभी लोग इसे ज़रूर देखने आइएगा। थैंक यू। थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामना।